के साथ तो स्टार्ट करें। अभी क्लास को स्टार्ट करें, जैसे कि जब बताए क्या कर रहे हैं, नाइन्थ क्लास मैथ्स को इसमें हमने आपका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया है, जो कि फर्स्ट चैप्टर है आपका संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम संख्या पद्धति को पढ़ने के लिए हमें जरूरी कंसेप्ट यूज होते हैं, क्या पढ़ने को आपको कवर करते हैं उसी क्रम उसी क्रम के अनुसार एक ग्रेड में स्टार्ट करें। ठीक है, नंबर सक्रिया ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शंस, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है, जो मैं लास्ट क्लास में पढ़ाता हूँ उसको रिवाइज कर। चलिए सबसे पहले आपको ये बात ध्यान रखनी है, एक तरफ का माइक और कैमरा दोनों बंद होना चाहिए। ठीक है, अगर आपके कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है, आप सुबह से बाहर पता है, कोई भी डाउट आता है, तो आपको इनकॉल मैसेज पर करो। इनकॉल मैसेज पर जाने के लिए आपको तीन मिनट ऊपर क्लिक करना पड़ेगा और पहला ही उत्तर आपका इनकॉल मैसेज पर। उसके बाद फोर में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैं आंसर करना, उसके लिए आपको एक्टिविटी पर क्लिक करना पड़ेगा। रात में क्लास ज्वाइन नहीं कर पाऊंगी, मेरा क्या कहते हैं नेट खत्म हो चुका है। सर एक बार आप फिर से बोल सकते हैं, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। सर मेरा डाटा बिल्कुल ही खत्म हो चुका है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे कि जो मैंने होमवर्क आपको दिया था करने के लिए, ये होमवर्क दिया था करने के लिए आपको ये रिपीट में से क्वेश्चन को लीव कर सकते हो क्लास को मैडम, खुद से लीव हो जाएगा ना, जैसे ही आपका नेट खत्म हो जाएगा खुद ही लीव। ठीक है, तो आप कर लीजिए, अभी जब तक आप अटेंड कर रहे हैं आप कर लीजिए। यहाँ पर ध्यान रखेंगे बेटा कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक तो आपको विषम भिन्न में बदलना, जो ये मिश्र भिन्न दिया हुआ है, मिश्र भिन्न दिया हुआ है इसको विषम भिन्न में बदलना है। विषम भिन्न में बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो 11 11 बटे 2 क्या, तो आपको दोनों को गुणा करना है, 11 की गुणा करना है और 11 को 2 बटे 2, तो आपके पास आया क्या 11 दूनी 22 प्लस 11 बटे 2 मतलब कि 33 बटे। उसी तरीके से अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो 14 की गुणा करेंगे 5 में ना, और प्लस 7 करेंगे बटे, तो 14 पंजे 70 और 7 बटे मतलब 77 बटे 5 आपका। इस तरीके से बेटा आपको कंप्लीट। चलिए अभी हम आ जाते हैं आगे। ठीक है, हम रिवाइज कर लेते हैं जो कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा। तो लास्ट क्लास की अगर हम बात करेंगे तो हमने सीखा था सर, आपकी आवाज कट कट के आ रही है। बाकी बच्चों को आवाज आ रही है मेरे ठीक से? सर चलिए तो थोड़ा सा वेट करेंगे, एक दो मिनट वेट करेंगे बेटा, जिनको आवाज नहीं आ रही है एक दो मिनट के बाद मेरी आवाज आपको क्लियर आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे बेटा पहला जो हिस्सा है वो होता है बुकिंग। ठीक है, दूसरे घंटे अगर बात करेंगे तो दूसरा घंटे आपके पास बंद
उसके बाद तीसरे व्यक्ति की अगर बात करते हैं तो पहला अनुरूपण होता है, तो उसको शामिल कर सकता है पहला और दूसरा क्या होता है उचित, दूसरा होता है बेटा उचित। इन दोनों को अगर बता देते हैं हमारे पास बता देते हैं ऐसे चार तीन बटे पाउंड चार तीन बटे तो ये क्या होगा बेटा ये होगा आपका निश्चित। तो ऐसे जो नंबर दिए जाते हैं उसको हम बोलते हैं निश्चित। क्या ये चीजें समझ पाई है सभी? यस सर। चलिए अगर ये चीजें सभी को समझ में आई है तो एक एक और आप उसको बचा दें। अभी जो नंबर मैंने बताया था आपको कैसे करना है नंबर कि मैंने आपको बताया मिश्रित बिंदु को आपको चेंज करना है। कैसे चेंज करना है? अनुचित अनुचित बिंदु में चेंज करना है। अनुचित बिंदु बोलते हैं या फिर हम बोलते हैं विषम बिंदु, ठीक है? जैसे किसी व्यक्ति की बात करें चार तीन बटे पाँच कैसे करेंगे बेटा? सबसे पहले आप इन दोनों की तुलना करेंगे, ठीक है? चार और पाँच की तुलना से चेंज कर देंगे और उसमें तीन को बटे पाँच तीन भी होगा डिपेंड हो ही जाएगा। अभी कितना आंसर आया? चार बटे तीस प्लस सबसे पहले तो आप पाँच और आठ की पाँच और आठ की करना है और तीन को उसको छोड़ें आठ डिवाइड में आठ ही आएगा मतलब पाँच अच्छे चालीस प्लस तीन बटे पाँच ये बेटा आपके पास आ गया तिरालीस बटे। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। बाकी बच्चों को आवाज आ रही है तो भी क्लास में ज्वाइन नहीं सर। सर कट कट के आ रही है आपकी आवाज। सर क्लियर नहीं आ रही। यस सर आ रही है। हाँ एक काम करेंगे बेटा अभी मैं फिर से तो वीडियो पर देता हूँ क्लास को, ठीक है? मेरी आवाज आपको ठीक से आने लगे अभी दो मिनट रुकेंगे, ठीक है? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज कट कट के आ रही है, ये वाला क्वेश्चन समझ में ही नहीं आया हमें। आपकी आवाज नहीं आई सर, क्या आपके फोन खराब हो गए? बहुत बार कर चुकी हूँ।
रही है आवाज? नो सर, नहीं आ रही है। वैसे बाकी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, अभी एक मिनट रुकेंगे बेटा, मेरी आवाज ठीक आने लगी। आ रही है सर, एक मिनट वेट करेंगे। जिसको आवाज नहीं आ रही है, मेरी आवाज ठीक आने लगी। बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे बेटा जल्दी। वेरी गुड, अभी 5 सेकंड के बाद 1 2 3 4 5 और मैंने बंद कर दिया है और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। जिन बच्चे के पास कोड नहीं आया तो वो अभी अपना आंसर चैट बॉक्स में कर सकते हैं। चलिए हम देख लेते हैं किसका आंसर क्या है, इसका आंसर क्या आ रहा है। ये सिर्फ यहाँ पर लिखा हुआ है 12 5 8। 12 कितना करेंगे पहले ना, 12 × 9 + 5 8 समझ में नहीं आ रहा है सर। बेटा अभी समझेंगे, अभी मैं फिर से समझा दूंगा। नो सर, आपकी आवाज कट कट के आ रही है इसलिए समझ नहीं आ रहा है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ सर, हमें भी नहीं आ रही। सर मैं तो, मुझे तो नहीं आ रही सर। वैसे तो पहले भी आ रही थी, अभी भी आ रही। मुझे भी नहीं आ रही जी, मैं समझ नहीं आ रहा है। बेटा मेरी आवाज आ रही है कम आ रही सर? सर आवाज तो आ रही है बट कुछ समझ में नहीं आ रहा है आपके बात, तो हम कैसे समझेंगे सर? कैसी आवाज आ रही है? जिस बच्चे को आवाज नहीं आ रही है वो एक एक करके रीजन कर सकते हैं ना। नहीं हो रहा है, मैंने काफी बार कर दी थी रीजन, तो हो ही नहीं रहा। चलिए तो अभी बेटा एक मिनट वेट करेंगे, दो मिनट वेट करेंगे। आप रीजन करो और माइक ऑन रखना तो शायद आपको आवाज क्लियर आ जाए। आपने स्पीकर ऑन कर रखा है ना? नो, बस बंद करके रखती हूँ मैं तो। एक मिनट रुकेंगे ना, एक मिनट रुकेंगे सभी बच्चे ऑन कर देंगे। एक मिनट के बाद मेरे सभी बच्चों को आवाज आ रहा है ठीक से? चलिए ध्यान देंगे हम उस पर क्या प्रकार कि आपको क्या करना है। एक प्रकार उसमें मैंने आपको बताया कि कैसे आप मिश्र विषम भिन्न को मिश्र भिन्न का बदलिए, है ना। जो विषम भिन्न होता है उसको आपको बदलना है, इसको आपको बदलना है किस भिन्न में, मिश्र भिन्न में बदल, मिश्र भिन्न में बदल। ठीक है, ध्यान से बेटा एक मिनट के बाद के लिए हमारे सभी को क्लियर आ गया। ध्यान से सुनते जाएंगे तो मैं आपको बता दूँ। ये चीजें हमने ना किया हुआ है लास्ट क्लास में, ये आपका रिवीजन चल रहा है, रिवीजन चल रहा है ये बेटा। ये 17/8, ठीक है, 17/8। ये 17/8 को कैसे आप रीच करते हैं, तो 17/8 को कैसे करेंगे पहले हम भाग करें। तो ये बेटा भाग लिखा दिया है, सबको आता है भाग करना है, तो कैसे करते हैं कि 8 से भाग करना है 17 को, तो 8 दूनी 17, ठीक है, 1/5। इस नीचे वाले को हम डेसिमल बोलते हैं, ये जो हमारे पास आया ये होता है भागफल, और ये इससे हम भाग करते हैं होता है, ठीक है, इससे भाग करते हैं होता है। तो जब हम किसी ईवन को 17/8 लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें बदलते हैं डिजिट में क्या बदलते हैं, सबसे पहले भागफल, सबसे पहले लिखा जाता है भागफल, फिर लिखा जाता है चीज़फल, और उसके बाद नीचे लिखा जाता है भाजक, नीचे लिखा जाता है भाजक, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ऐसे ही आप कर रहे। यहाँ पर जो भागफल आया था वो है, ठीक है, शेषफल कितना आया है, देखो शेषफल है हमारे पास एक, यहाँ पर दिख रहा है भागफल 2 है और शेषफल मेरे पास है 1, ठीक है, तो शेषफल 1। भाजक की बात करेंगे तो भाजक को काटिए,
ये आ गया बेटा 9 से ही 1/8 इस तरीके से आपको क्या करना है इस तरीके से आप चिन्ह में ऐसा मतलब तो में से चिन्ह चेंज करो ठीक है यही यहाँ पर बताया गया यही यहाँ पर बताया गया है कि आपका आ गया मखमल ठीक है मखमल आया ये आया फेस पर कैसे इस पर हो गया और ये होता है भज इसको बोलते हैं बेटा भज तो यहाँ पर देखो 17/8 तो आपने चेंज किया जिसमें 2 से ही 1/8 जिसमें हमारे पास पहला नंबर जो लिखा हुआ है क्या है बेटा वो है सर मुझे ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आया सर आपकी आवाज साफ नहीं आ रही कौन सा बिट नहीं आया बेटा 2.12 सही 2 सही 1/8 वाला मुझे ठीक से समझ में नहीं आया आप एक बार बता दोगे मैंने यहाँ पर बोला है आपको कि ये भागफल यहाँ पर भागफल लिखना है ये मैंने फॉर्मूला बताया आपको कि भागफल आता है पहले सर ये आ गया समझ में भागफल वाला सर ये समझ में नहीं आया आपने 8 को 2 से गुणा क्यों किया ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया ना आपकी आवाज नहीं आ रही ठीक से यहाँ पर ध्यान देंगे बेटा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है मैंने भांचे लिखा हुआ है भांचे कितना है 17 है ठीक है भांचे है 17 और भाजक लिखा हुआ है 8 और भागफल है ठीक है शेष फल की अभी यहाँ पर 17 लिखा हुआ है ना 17 = 8 + 2 + 1 तो हमारे पास क्या है 17/8 है ना तो दोनों पक्षों में 8 से भाग करना पड़ेगा दोनों पक्षों में हमने क्या किया 8 से भाग करते दोनों पक्षों में जब 8 से भाग करा तो ये हमारे पास ठीक है तब ये हमारे पास है जब हमने दोनों पक्षों में क्या किया है 8 से भाग अभी समझ पाया ये कि कैसे आया है आपका 8/2 + 1 सर आपकी आवाज नहीं आ रही बाकी बच्चों को आवाज आ रही है मेरी सर नहीं आ रही नो सर नो सर नो सर एक मिनट रुकेंगे सर आपकी आवाज नहीं आ रही मेरी आवाज आ रही है सभी को यस सर यस सर चलिए तो आगे आ जाते हैं अभी तो यहाँ पे सर मेरा नेट खत्म हो गया चलिए यहाँ पर मैंने आपको बताया कि कैसे आप विषम बिंदु को मिश्र बिंदु में चेंज करते हैं विषम बिंदु को कैसे चेंज करते हैं सर मेरा नेट खत्म हो गया है फोन का ठीक है बेटा नेट खत्म हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली लीक हो जाएंगे जब आप ये हो जाएंगे ठीक है चलिए यहाँ पर ध्यान देंगे मैंने आपको बोला कि ये विषम को आपको कैसे चेंज करना है मिश्र में चलिए इसके कुछ एग्जांपल हम देख लेते हैं कि ये आपको लिखा गया है कि कैसे आप विषम को चेंज करते हैं मिश्र में ठीक है पहला क्या होता है भागफल होता है ऊपर लिखा जाता है शेष फल ठीक है ये हमारे पास है इसको आप मिक्सर बिट में चेंज करें
है आपके पास अनुचित बुद्धि, ये आपके पास अनुचित बुद्धि। अगर अनुचित बुद्धि है तो आपको क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा, चार से भाग करना पड़ेगा, चार किया बारह, चार किया बारह तीन आया, तो यहाँ पर शेष बल आया तीन, शेष बल तीन आया है, भाग बल भी तीन आया, भाग बल भी तीन आया, और ये भाजक, भाजक है मेरे पास। मैंने तरीका बताया बेटा, ये तरीका याद रखना है आप, कि जब भी आप अनुचित या विषम इन्फॉर्मेशन लेकर बदलते हैं तो पहले भाग पर लिखते हैं, पहले भाग पर लिखते हैं, ऊपर आता है शेष पर, ऊपर शेष पर आता है और नीचे आता है भाजक। अभी वैल्यूज रखना है, मान रखना है, भाग पर कितना है तीन, शेष पर कितना है तीन, और भाजक है बेटा चार। इस तरीके से आपने अनुचित को चेंज करा विषम में। क्या ये चीजें क्लियर है सभी बच्चों को, यहाँ तक समझ पाया है सबको? यस सर, यस सर। आगे आ जाते हैं, एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं और एक बात रख लेंगे। एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं, आपका नीव है 23/8, तो आपको करना है ठीक है, अनुचित गुण दिया हुआ है आपके पास, इस अनुचित गुण को आपको चेंज करना है विषम में, उसके लिए मैंने आपको क्या बोला कि आठ से आप भाग करेंगे, आठ को भी सूत्र ये आठ को भी सूत्र, और यहाँ पर जब आप इसको माइनस करते हैं तो सात आएगा ठीक है। ये आ गया बेटा शेष, ये तो शेष पर आया, और ये आया ये भाग ठीक है, और ये होता है भाजक, इसको बोलते हैं भाजक। अभी क्या करना है आपको, फॉर्मूला रखने, फॉर्मूला क्या होता है, भाग पर पहले लिखा जाता है, शेष पर सर 5/6। Yes, पहले क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिए और उसके
उसके बाद आपको आंसर करना है। 11 बटे 7 अनुचित लिया हुआ है, इतना अनुचित लिया हुआ है, इसका आंसर आपको टोल सेक्शन में करना है। इसको मिस्र में बदलना है, मिस्र में बदलना है, मिस्र में क्या होना है, ध्यान से बेटा ठीक है, फॉर्मूला लगा के जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करना है, ध्यान से इसका आंसर आप करना है। चलिए सभी बच्चों को आंसर करना है, सभी बच्चे आंसर करेंगे, बच्चों का आंसर आ रहा है। हो गया सर, बार बार बोल रहा हूँ मैं इसी बार को, ध्यान से करना है, जल्दीबाजी नहीं करना, फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन को करो। जो फॉर्मूला आपको बताया गया है लगाने के लिए वो ही लगाना है। सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चों को आंसर करना है।
सिस्टम लिखने चेंज कर, यहाँ पर आठ संधि शब्द, ठीक है, पहले क्या करना है इन दोनों को उठा कर सात और आठ की करना है और एक को जोड़ना है प्लस बटे आठ, ठीक है, तो बटे में होता है वही आता है आठ है तो आठ ही आएगा बटे सात अट्ठे छप्पन प्लस वन बटे आठ, ओके सत्तावन बटे आठ आया, सत्तावन बटे आठ आया कितना आंसर आया सत्तावन बटे आठ आंसर आया, क्या ये चीजें समझ पाई है? यस सर। चलिए एक और क्वेश्चन, यस सर, यहाँ पर एक और क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ कि चार तीन बटे आठ, ठीक है, चार तीन बटे आठ कैसे करना है, कैसे करना है कि चार की गुणा करेंगे आठ, चार की गुणा करेंगे आठ में, ठीक है, और चार की गुणा करेंगे अगर आठ में तो फिर उसके बारे में क्या करना है तीन को जोड़ना है, तीन को आपने जोड़ा बटे आठ, चार अट्ठे बत्तीस प्लस तीन बटे आठ मतलब की पैंतीस बटे आठ आपका पैंतीस बटे आठ, चलिए बताएंगे यहाँ तक ठीक है, सब को क्लियर है, समझ पा रहे हैं कैसे आप फिक्स्ड डिविजन को कैसे आप फिक्स्ड डिविजन को चेंज कर दीजिए अनुचित, चलिए अगर ये चीजें सभी को समझ में आई है तो अभी ये वाला उदाहरण बताइए, सभी बच्चों का चैट बॉक्स में आंसर आना चाहिए, चार दो बटे तीन, चार दो बटे तीन सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और चैट बॉक्स में आंसर, सभी बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और चैट बॉक्स में आंसर, सॉल्व करने के बाद बेटा चैट बॉक्स में आंसर देना है, मैंने चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे, जितने बच्चे भी क्लास में मूवी देखने बेटा मैंने बोला है कि एक्टिव रहना है आपको, जो पूछा जाता है जल्दी से आंसर करो, चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे, अरे आपके बच्चे भी आंसर करेंगे बेटा, दो तीन बच्चों पे ही आंसर आ, जितने बच्चे भी मैंने क्लास में सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए, यही आंसर हमारा पास है, ये आंसर हम चार और तीन की गुणा करेंगे, चार किया बारह प्लस दो बटे तीन, तो यहाँ पर कितना गया चौदह बटे तीन, चौदह बटे तीन सभी का आंसर सही, चलिए तो आगे आ जाते हैं, यहाँ पर देखो ये था हमारे पास फिक्स्ड बिट, इस फिक्स्ड बिट को हमने चेंज कर दिया है किसमें अनुचित में, अनुचित बिट में या फिर हम बोलते हैं विषम बिट में हमने चेंज कर, कैसे किया चार और तीन की गुणा करा, ठीक है, तो चार किया बारह और दो बटे तीन, जो बटे में होता है वही आ गया, जो बटे में होगी संख्या वही संख्या यहाँ पर आएगी, ये भी ध्यान, चलिए आगे आ जाते हैं, तो यहाँ पर देखो मिश्र बिट को, मिश्र बिट को हमने किसमें चेंज कर दिया विषम बिट में चेंज कर दिया, ठीक है, चलिए अगर ये चीजें सभी क्लियर है तो अभी अब तो आंसर करना है पोल से, ठीक है, ये रहा बेटा स्क्रीन पर आपके क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, चार तीन बटे सात, चार बटे तीन बटे सात इसको आपको किसमें चेंज करना है अनुचित बिन में चेंज, अनुचित बिन में चेंज करेंगे, चलिए ये मिश्र बिन दिया हुआ था आपके पास इसको आप चेंज करेंगे अनुचित बिन, सभी बच्चों के आंसर है ना फोर सेक्शन में आना चाहिए, चैट सेक्शन बंद कर दिया मैंने, फोर सेक्शन में आपका ओपन कर रहा हूँ, पहले इसको सोल्व कर लीजिए आप और उसके बाद आप आंसर करेंगे फोर सेक्शन, और एक्टिविटी आएगा जैसे क्लिक करेंगे लास्ट ऑप्शन, एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे तो फोन आएगा और फोन पर क्लिक करेंगे तो ऑप्शन आ जाता है, वेरी गुड, अभी तक सभी बच्चों के आंसर सही, इसी तरीके से बाकी बच्चे भी अपना आंसर करेंगे, बाकी बच्चों को भी आंसर करना है, जल्दी से अपना आंसर करेंगे, काफी कम बच्चों के उत्तर आए थे, वो जो बच्चे क्लास में जुड़े हुए हैं बेटा ये नहीं करना है आपको कि आप फर्स्ट क्लास को अटेंड कर लो इंटर के रहें, उसको प्रॉपर तरीके से आपको अटेंड करना है, सारे चीजें जो आपको बताई जा रही है, ठीक है, उसके बाद आपको क्वेश्चंस में जॉब करना फायदा नहीं होगा ना, आप एक घंटे की क्लास को अटेंड भी कर रहे हैं और आपको कुछ मैंने बोला है कि जितने ज्यादा क्वेश्चन आप करते हैं उतनी ही आप उतना ही सोच चाहिए, धन्यवाद।
चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है, मैसेज कुछ के पास भी नहीं आया था, अभी चैट सेक्शन ओपन कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं इसका उत्तर क्या आ रहा है। क्या लिखा हुआ है? 4 3/7। ठीक है, मैंने बोला आपको कि तुम लोग की गुणा कर दीजिए पहले, ठीक है, 4 3 करेंगे 7 प्लस 3/7, 4 7 28 प्लस 3/7, तो ये आ गया बेटा आपका आंसर 31/7। मतलब सी ऑप्शन आया है, काफी बच्चों ने उत्तर सही, ज्यादातर बच्चों को उत्तर सही है, बस एक दो बच्चों को उत्तर गलत आए हैं। ठीक है, काफी ज्यादा बच्चों ने उत्तर सही, वेरी गुड। जिन बच्चों के उत्तर गलत आए वेरी गुड, आपने ट्राई किया है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप आंसर करते रहेंगे ताकि आपकी मिस्टेक आपको पता चले कि कहाँ पर आपने मिस्टेक की। बेटा जो कुछ कर ही नहीं रहे हैं तो वो कुछ जान ही नहीं पाएंगे कि उन्होंने कहाँ गलत किया है, कहाँ सही किया, तो इसलिए आप उत्तर करते रहेंगे बेटा। यस सर, सभी बच्चे वाइट है, वेरी गुड। चलिए आगे आ जाते हैं, एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं पहले एलसीएम का। तो यहाँ पर मैंने लिया एलसीएम का एक एग्जांपल क्या, 12 और 8। ठीक है, ध्यान से समझ लीजिए बेटा, जिन बच्चों को समझ में नहीं आया है तो ध्यान से, 12 को डिवाइड करेंगे, छोटा नंबर सबसे छोटा नंबर है, दो के बाद फिर दो से किया, किया छः, फिर तीन से किया, तीन ही कम थी, ये तब तक करना है जब तक एक नहीं आना। अभी आ
करेंगे ऑल्सो आर ओके फिर उससे करेंगे टीचर फिर तो से किया ठीक है हमारे को हमने किया तो हमारे पास आया पुरान पुरान ठीक है आर को हमने किया तो हमारे पास आया पुरान पुरान ठीक है ये नंबर हमारे पास सबसे पहले कॉमन जो कॉमन है ये तो दो 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 कॉमन पांच की गुणा करेंगे एक अभी आंसर आएगा आपका क्या दो या छह
आंसर क्या आने वाला है, दो या छह, ठीक है, और पांच एकम बटे पन, आपका आंसर आ गया 11/15। तो अभी बताएंगे सभी बच्चे, तो 11/15 आया है क्या, ये कौन सा भिन्न है, किस प्रकार का भिन्न है, तीन प्रकार के भिन्न आपने पढ़े हैं, तो उसमें से किस प्रकार का भिन्न है सर, उचित भिन्न, उचित भिन्न है, वेरी गुड। ये बेटा इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सोल्व, क्या समझ में आया सबको? यस सर। यही यहाँ पर दिखाया गया है कि जो 15 यहाँ पर एलसीएम आया, ठीक है, 15 यहाँ पर क्या आ गया, एलसीएम आ गया, और एक भी हमने यहाँ पर पढ़ा था, तो दो किया छह, ठीक है, और पांच कितना यहाँ पर करेंगे, तो एक का तो छह प्लस पांच 15 11 बटे 15, तो ये बेटा हमारा। चलिए अभी हम एक और क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा 4/7 प्लस 1/5, इसका आंसर बताएंगे कितना है, इसका आंसर चैट बॉक्स में बताएंगे क्या आंसर आ, सभी बच्चे नोट बुक में चुप कर लीजिए, पहले इनको उसके बाद आंसर बताएंगे चैट बॉक्स। चलिए सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए, सभी बच्चे पहले नोट बुक में चुप कर लेंगे क्वेश्चन को, और उसके बाद इसका आंसर बताएंगे। उसके बाद आप इसका आंसर बताएंगे कि क्या आंसर आना चाहिए। चलिए सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए, सभी बच्चे आंसर करेंगे। आंसर किया है सभी बच्चों का आंसर, मतलब 100% रिजल्ट, ठीक है,
देख लेते हैं आंसर क्या है। 728 28 को इसका एलसीएम आ गया। मैंने क्या बोला था एलसीएम के लिए दोनों को गुणा करते हैं, ये 4 की गुणा यहां पर करेंगे ना, 4 की गुणा करेंगे, 3 की गुणा करेंगे यहां पर, 7 गुणा 3 यहां पर आया 400 7 ये बेटा आंसर आ गया आपका 37/28 मतलब कि बी ऑप्शन सही। सभी बच्चों का उत्तर सही, सभी बच्चों का उत्तर सही है। चलिए वेरी गुड। तो अभी हम आ जाते हैं, अभी हम आ जाते हैं डेनमार्क में, ठीक है। आगे इनसे क्वेश्चन आएगा बेटा, ठीक है। तो उस क्वेश्चन को करने से पहले पिंटू क्वेश्चन का बता देता हूँ आपको कि किस तरीके से सोल्व करना है। जैसे आपको बोला जा सकता है कि 7/8 को आपको जोड़ना है किसके साथ, 3/2/5 के साथ, 3/2/5 के साथ। तो आप कैसे जोड़ेंगे, यहाँ पर 7/8 लिखा हुआ, पहले इसको आप चेंज करेंगे, ये मिश्र बिंद दिया हुआ है, इसको आप चेंज करेंगे किसमें, मिश्र बिंद दिया हुआ है इसको आप चेंज करेंगे पहले उचित अनुचित, ठीक है। किसमें करेंगे, अनुचित बिंद में चेंज करेंगे। कैसे करते हैं, कैसे करते हैं कि 5 और 3 की गुणा करेंगे, 3/15 और 2 को छोड़ेंगे ना, 15+2/5 यानी कि 17/5 ये आया, 17/5 है आपको, ठीक है। अब उसके बाद तो देख कर देंगे, जैसे अभी हमने जो किया कि दोनों को क्या कर देना है, आपस में गुणा कर देना है, 8/5 ठीक है, 5 की गुणा यहाँ पर करेंगे, 5 7 35 और 17 8 28 कितना होगा, 136 ठीक है। अभी दोनों को जोड़ देंगे, कितना आएगा, 5 और 6 1 11 का एक हासिल, 1 3 6 और 1 7 1/4 इस तरीके से बेटा अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो ऐसे आपको क्या समझ में आया है सर, वेरी। चलिए एक और इसी टाइप का एक और क्वेश्चन आप कर लेते हैं, ठीक है। फिर हम आते हैं, मैंने लिखा 2 1/3 या 1/4 और उसको आपको जोड़ना है 3 5/4 तो अभी क्या करना पड़ेगा, इसको पहले आपको चेंज करना है। कैसे करते हैं कि दोनों की गुणा करते हैं, 4 2 8 और इसको जोड़ देते हैं 1 8 और 1/4 ऐसे यहाँ पर करना है, 4 या 12 और 5 17 17/4 ठीक है, 17/4 आप देखो यहाँ पर इसका जो हर है दोनों का बराबर है ना, इसका भी 4 है इसका भी 4 है। तो ऐसे में क्या करना है बेटा आपको, एलसीएम इसका 4 ही आ जाएगा, जब दोनों बराबर होते हैं समान होते हैं तो क्या आएगा, वो ही आता है। और ऊपर वाले नंबर को हम ऐसे ही लिख लेते हैं, ऊपर वाले नंबर को हम ऐसे ही लिख लेते हैं, संख्या को ऐसे ही उठा दो। और अभी हम जोड़ते हैं, हमने जोड़ा 17 और 2 कितना हो गया, 26/4 अभी इसको हमें इसमें चेंज करना है, रिप्लेस कर है ना, रिप्लेस कर कट रहा है जो काट सकते हैं ना, तो 4 तो 1 2 तो आपका आंसर आया 13/4 क्या ये चीज़ें समझ में आई है, अगर यहाँ तक समझ में आया है तो बच्चे भाई यस सर। चलिए अगर ये चीज़ें समझ में आई है तो अभी इसके ऊपर बेटा आएगा क्वेश्चन, उसका आंसर आप, ठीक है सर। मुझे ना समझ नहीं आया है, क्या समझ में नहीं आया बेटा आपकी, सर आपने वो 9+17 किया वो सेम टू सेम सर आपने उतारा है, सर एक बार समझा दीजिए दोबारा से। ठीक है बेटा, अभी पहले आप इस क्वेश्चन को ट्राई कर लीजिए, फिर आप क्लास को रुक जाना, ठीक है, इस क्वेश्चन को आप ट्राई करें। चलिए और सेक्शन में चलते बच्चे, ठीक है, मैं बताऊंगा आपको। सभी बच्चों को आंसर करना है इन दोनों नंबर्स को, आपको तो यहाँ पर एक तो आपने बदला हुआ है पहले, आपको सिर्फ इसको बदलना है, इसको आपको बदलना है, ये तो ऑलरेडी बदला हुआ है उसको तो कुछ नहीं करना, पहले आप इसको बदलें। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, ध्यान से करेंगे बेटा, सभी बच्चे आंसर, ठीक है, जल्दीबाजी नहीं करना है, ध्यान से आंसर करना है,
सिंपलेस्ट फॉर्म में भी आपको बता रहा है मालूम, तो इसलिए सभी बच्चे ध्यान से इसका आंसर करते हैं, सभी बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे मैडम। बाकी बच्चों को भी आंसर करना है, देखो ही बच्चों से आंसर आया मतलब बाकी बच्चे क्या कर रही है, चलिए बाकी बच्चों को भी आंसर करना है सभी बार बार की बच्चे भी आंसर करेंगे बेटा काफी करना है, एक्टिविटी का ऑप्शन आएगा एक्टिविटी पर जैसे क्लिक करेंगे तो ऑप्शन आएगा और पर जैसे क्लिक करेंगे तो किसी भी मैंने बोला है कि सभी बच्चे को आंसर करना है ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो सके कि किस तरीके का क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। क्या हुआ बेटा बाकी बच्चे आंसर क्यों नहीं कर रहे, सभी बच्चों को आंसर करना है, चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे। सर ये वाला समझ में नहीं आ रहा, और एक दो बटे दो आया है नंबर,
दोनों में सेम संख्या है समान है तो दो ही एल करवाएगा, तेहरा और नौ तो हम ऐसे ही लिख लेंगे, तेहरा और नौ होता है बाईस, बाईस बटे दो, दो से इसको डिवाइड करेंगे तो ग्यारह आंसर आएगा, ग्यारह आंसर आ रहा है, ये ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। चलिए आप ये चीजें समझ पाए सब, इसका जो आंसर है वो ए ऑप्शन है। यस सर। चलिए तो अभी अगर किसी को समझ में नहीं आया तो क्लास में जाइए, बेटा क्लास करने के लिए अपना बेटा क्लास में।